चाय बनवा दी क्या? मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक नया डे में। और कितना खूबसूरत दिन है आज, दिखाता हूँ तुम्हें सुबह हमारी कैसी हुई। सो राइट नाउ दिस इज द वैली, ये बहुत प्यारे हिल्स हैं और यहाँ से ना खुशबू पेड़ों की और एक बार ना चिड़ियों की आवाज महसूस करो। अभी क्या कि सुबह सुबह 5 बजे नींद खुल गई। रात को ठंड वगैरह तो नहीं लगी लेकिन टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, 12-13 के आसपास टेम्परेचर था यहाँ पे। और स्लीपिंग बैग में ठीक ठाक मज़ा आ गया नींद में। ये मेरी बाइक खड़ी सारी पीछे और कैंपिंग में ना यार नींद एक नंबर आ जाती है, रिलैक्स होके सोया जाता है। और आओ तुम्हें वैली का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे पेड़ होते थे, यहाँ पे अभी कटवा दिए। पिछली बार का शो अगर वीडियो देखोगे ना वादी कैलाश की, तो यहाँ पे आपको शॉट्स दिखेंगे पेड़ों में से मैंने निकाल के, बहुत सिनेमेटिक अच्छे अच्छे लिए थे। तो अभी देखो डॉगी घूम रहा है इनका, वो देखो डॉगी घूम रहा है इनका, उसको कुछ दिख गया शायद। ये बड़ा अकड़ू डॉगी है भाई, बुलाने पर आता नहीं है बिल्कुल नहीं आएगा भाई, इससे बड़ा डोन ही नहीं है कोई, ये मान लो इस तरह का बिहेवियर रहता है इसका। ये यहाँ की वैली है देखो कितनी प्यारी है, एक चिड़िया यहाँ पे बोल रही है ऊपर वरी। नमस्कार दोस्तों, तो पेशी आपके सामने पिथौरागढ़ से। हम थोड़ा सा आगे ही निकले थे, यहाँ पे हमने कैंपिंग कर ली थी रात को और बहुत बढ़िया एक अच्छा समय गुजरा था। जैसे ही हम थोड़े से यहाँ से सुबह सुबह चले, उसके बाद धर्मेंद्र जी को लगी चाय की चसक और उन्होंने बनवा ली चाय। चाय बनवा दी क्या? बनवा दी ठीक, पर मन है नहीं माँ की, 3:30 जहाँ से गुड़ी चोरी चकारी के उसका। गुरु जी पता क्या चीज है, देखो आप जब उस टाइम में लेट नहीं होंगे ना, हमारा प्लान था कम से कम ही आता है 20-30 किलोमीटर और टापन का, ठीक है। लेकिन आप इस टाइम पर आया अंधेरा। हे गाइस अभी राइट नाउ देखो व्यू, देखो यार कितना प्यारा व्यू है आगे का सामने का। देखो एक बार इन पहाड़ों में, वैसे ज़िंदगी लगती आसान है लेकिन होती नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोकल्स को भी। और अभी फ़िलहाल बाइक चला रहे थे हम, और चलो भाई चाय बनवा दी तो चाय पी लेते हैं पहले। और बहुत 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 बढ़िया हिमालयन का सेडलिंग का अगर बात करें तो बहुत बढ़िया व्यू और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब कि कम्फर्टेबल रहता है बंदा, चलाने में कोई दिक्कत फील नहीं होती। अगर ये डबल साइलेंसर में और आ जाए ना मज़ा ही आ जाएगा, बाइक में इतनी पावर दे दे तो स्वाद ही अलग है। अभी फ़िलहाल रुके हैं वहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे की तरफ। अगर पहाड़ों की बात करी जाए ना तो पहाड़ों में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। पहाड़ों में कहने को हम एक टूरिस्ट की तरह निकल जाते हैं, वहाँ पर बड़े आराम से हम एक मिनट में कह देते हैं कि हमारे लिए ये प्रबंध नहीं है या फिर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने गांव को इमेजिन करोगे ना 20-30 साल पहले के गांव को, सेम एज इट इज़ उसी तरह ही हमें पहाड़ों पर आज रहना पड़ता है। कई जगह पहाड़ों पर बाथरूम वगैरह या फिर टॉयलेट्स वगैरह वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते, तो बेसिक नीड्स के लिए भी आपको इधर उधर ही जगह ढूंढनी पड़ती है। तो पहाड़ों पर फ़िलहाल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जिस हिसाब से कर रहे हैं ना, पहाड़ों को काट कर या फिर टनल्स बनाकर, तो वो एक तरह से पहाड़ों को ख़त्म करने का और उनकी सुंदरता को ख़त्म करने का एक निर्णय होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री कैलाश मानसरोवर के एक रास्ते में। यहाँ पर ये रोड सीधा धारचूला की तरफ जाता है, धारचूला से आपको परमिट बनवाना पड़ता है, उसी परमिट के बाद आप श्री कैलाश या फिर आदि कैलाश की यात्रा कर पाते हैं। जी हाँ, मेरे आप राइट साइड में देख रहे हो काली नदी, यहाँ पर कितने बेशुमार बुलडोजर्स हैं दोस्तों, बेशुमार। यहाँ से आगे का रास्ता कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि उस रास्ते को ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी भी, बहुत रिस्की रोड रहता है यहाँ पे।
Hey guys, right now, फिलहाल पहुंचे हैं धारचूला और धारचूला में अभी अपना मेडिकल वगैरह होके टोटली आगे के लिए पास के लिए प्रोसेस चालू होगा। आगे इनर पास हमें बनवाना पड़ता है तब जाके हम आदि कैलाश के दर्शन कर पाएंगे या फिर उस राइड को भी कंप्लीट करने के भागीदार हो पाएंगे। अगर पास नहीं बनता उसके बाद आगे नहीं दिया जाने नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए अभी पास का प्रोसेस चल रहा है। यार ना देने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ देने का रखो कि भाई पास लेकर आएंगे रख जाएंगे। गाइस राइट नाउ फिलहाल कमरे पे पहुंच चुके हैं, हमने यहाँ पे होटल रूम अपना ले लिया था, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ एक चीज की आ गई कि यहाँ पर पहुंचते ही धारचूला में बिल्कुल साफ मौसम था जिस टाइम हम पहुंचे, और अभी अगर देखें तो बारिश का पूरा तगड़ा माहौल हो चुका है और नदी जो यहाँ पे पास में है वो एक टॉप एंड पे जिसे बोलते हैं वो चल रही है बहुत। इसका मतलब दैट मींस क्या है कि ऊपर बारिश हो रही है पहाड़ों पे ऊपर, तो दैट मींस कि यार थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है पास मिलने में, इनर लाइन पास है जो, तो अभी फिलहाल सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बाकी देखेंगे यार, आज के दिन यहीं पे रुकना पड़ेगा, कल सुबह देखेंगे पास मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हमें मिल गया था पास, बहुत एफर्ट्स लगे थे पिछली बार भी, लेकिन इस बार भी एफर्ट्स लगाएंगे और इस बार कुछ भी हो जाए आदि कैलाश जाना है।